हेलो एवरीवन, आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक ब्लॉग शूट कर रही हूँ। आज हम लोग बहुत दिनों बाद आज हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं और वहाँ का मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग दे देती हूँ और आप लोगों से कुछ बातें कर लेती हूँ। बहुत दिनों से कुछ बात नहीं हुई और बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो भी नहीं आया है, तो मैं सब सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि वो वीडियोस क्यों नहीं आ पा रहे थे, क्या रीज़न था उसका, और अब जल्दी जल्दी वीडियोस आएंगे। मैं स्पेशली उसी प्रिपरेशन के लिए कहीं जा रही हूँ और पूरे ब्लॉग में आप लोग मेरे साथ में रहना। और एक बहुत अच्छी जगह जा रही हूँ जहाँ स्पेशली मुझे जाना बहुत पसंद है, राजस्थान की एक जगह है, मैं आज आपको लेके चलती हूँ, चलो आप मेरे साथ चलो। तो हाय एवरीवन, हम लोग हैं अभी रास्ते में और मैंने सोचा कि अभी हम लोग जब रास्ते में हैं, बैठे हुए हैं, तो मैं चलो आप लोगों से कुछ बात कर लेती हूँ कि मेरे वीडियोस क्यों इतने दिनों से नहीं आ पा रहे थे। क्योंकि आप जो ये वीडियो में पीछे दोनों बच्चों को देख रहे हो, इनके चल रहे थे एग्ज़ाम्स और ये लोग हैं 4th क्लास में, तो और साथ साथ मैं जॉब भी करती हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं और भी बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे से फेसबुक पेज पे या इंस्टा डीएम पे मुझे डीएम करते हैं और ये पूछते हैं कि बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आए या इतना टाइम क्यों लग रहा है। मैं आप लोगों को, प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखते हो, हमेशा मेरे वीडियोज़ का इंतज़ार करते हो, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। अब कंटिन्यूसली मेरे वीडियोज़ आएंगे और अब तो 95,000 होने वाले हैं मेरे सब्सक्राइबर। प्लीज़ आप लोग जल्दी से, 5,000 सब्सक्राइबर्स की तो बात रह गई है, जल्दी से उसे 1 लाख करा दो यार। उसके बाद बहुत सारे सरप्राइजेज हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि उसके बाद मेरा एक Q&A वीडियो आएगा जो आप लोग अलग अलग मेरे से पूछते रहते हो क्वेश्चंस, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक तो आपको ऑब्वियसली थैंक यू कहने के लिए, जबकि सारे क्वेश्चंस के मैं आंसर करूँगी। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं, मैं क्या, मेरी फैमिली से तो आप लोग सब मिल ही चुके हो, अपने बारे में मैं और चीज़ें बताऊँगी। और आपके लिए एक बहुत अच्छा गिव अवे लेके आने वाली हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही, आप लोगों की वजह से ही मेरे आज 95,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं और बहुत जल्दी हम लोग 1 लाख तक पहुँचेंगे। और उसके बाद भी आप लोग मेरा साथ दोगे तो हम लोग और आगे तक पहुँचेंगे और मैं और मेहनत करूँगी। और मोटिवेट आप लोग मुझे करते हो अपने कमेंट्स के थ्रू कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, लास्ट तक रहिएगा आप लोग और सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे, 95,000 तक। ट्राई करते हैं 1 लाख करने का। 1 लाख करने के बाद और नए नए सरप्राइजेज आपके साथ रहेंगे। आरुष, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। बहुत पूल है। पूल में नहाना है तुम्हें? हाँ, शाम को जाएंगे, रात को भी। हाँ, पूरे टाइम पूल में ही पड़े रहोगे? हाँ, मजा अच्छा।
स्टाइल के यहाँ पे स्विचेस, पूरा कुछ हेरिटेज है, इन लोगों ने उसी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। स्पेशली मुझे ऐसी जगह बहुत पसंद है, ऐसे ऐसी जगह पे आना जाना, मैं अपने आप को रिलेट करती हूँ। और मुझे हर जब भी हमें टाइम मिलता है, हम कोशिश करते हैं कि राजस्थान में 2-3 दिन के लिए रिलैक्स होने के लिए आते हैं, किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी में ही आते हैं। इससे पहले भी हम लोग आए हुए हैं, यहाँ नहीं आए, और जगह गए हुए हैं, बट हमने वहाँ का व्लॉग नहीं शूट किया था उस टाइम, क्योंकि वीडियो भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो नहीं हो पाता है मैनेज। लेकिन इस टाइम मैंने सोचा था कि मैं इस बार इस प्रॉपर्टी के साथ आपको ज़रूर एक व्लॉग शूट करके दिखाऊंगी। तो मेरे बच्चे जो हैं उनका कहना ये है कि कहाँ हम पुराने ज़माने वाले घर में आ गए। आर्यश, पुराने ज़माने का घर है? हाँ। क्यों? क्योंकि ये पूरा फोर्ट है, बहुत साल पुराना। हाँ। तो हाय फ्रेंड्स, अब हो गया है टी टाइम। शाम को थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे हाई टी का टाइम रहता है 5 to 6, तो हम वहाँ पर जा रहे हैं टी लेने के। लग रहा है ये देखो आप, ये सारी अरावली रेंजेस हैं। ये देखो ब्यूटीफुल सी लेक है, सिलिसर लेक बोलते हैं इसको। ये आई होप आपको दिखाई दे रही होगी। और डक भी दिखाना, डक भी है ठीक है। डक गाइस, ये रही डक। और वहां पे पैरेट भी है एक। कहां पर है पैरेट? बोरा पैरेट। और ये देखो आप, यहां से व्यू देखो आप इसका, ये जो पूरा पैलेस है इस जगह पे है। मुझे ऐसी शांत वाली जगह बहुत ज़्यादा पसंद है। ये पूरी अरावली रेंज है, और ये जो पूरा पैलेस है, ये जो राम बिहारी पैलेस है, जो फोर्ट है, ये 300 ईयर्स पुराना है। टाइम है, हम लोग चाय के साथ स्नैक्स ले रहे हैं। हम आए हैं एक रिजॉर्ट में, प्यार से रिजॉर्ट में, और फिलहाल तो अभी हम नहाने जा रहे हैं स्विमिंग पूल के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे गेम्स है, लाइक क्रिकेट, मोनोपोली, चेस, लूडो एक्सेट्रा, बहुत सारे गेम है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, मैं आपको ये देखो गाइज, इतना बड़ा ग्राउंड है। तो हम कपड़े चेंज करेंगे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम हम लाए हैं तो वो भी पहनेंगे। देखो इस टाइम कितना अच्छा यहाँ पे लाइटिंग हो गई है। यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है, ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। अब हो रहा है डिनर टाइम, बच्चे बहुत ज्यादा थक चुके हैं स्विमिंग करके, और इन्हें बहुत भूख भी लग रही है। ठीक है, तो अब हम लोग डिनर करेंगे। मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है और हम लोग उठ गए हैं, थोड़ा लेट हैं। एक ही चैनल पे कितने सारे डांस देखने को मिलते हैं, देखो कपल डांस हुआ, चाहे वेडिंग डांस हुआ, चाहे वो लोकगीत डांस हुआ, चाहे वो बॉलीवुड सॉन्ग्स पे डांस हुआ, चाहे वो मदर डॉटर डांस हुआ, चाहे वो जीजा साली डांस हुआ, सारे डांस आपको एक ही चैनल पे मिल जाते हैं। इवन व्लॉग्स भी मिल जाते हैं आपको, बहुत सारा फैमिली कंटेंट मिल जाता है, फैमिली डांस मिल जाते हैं, तो इतने सारे डांसेस आपको एक ही चैनल पे मिल रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, कितनी सारी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने,
तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और 1 लाख तक जल्दी से पहुंचा दो। रेडी हो गए हैं और रूम हमको थोड़ा सा छोटा लग रहा था क्योंकि मतलब बच्चे हैं और बहुत सारा सामान भी हो जाता है, तो हमने अपना रूम अपग्रेड कराया है। तो हम लोग नए रूम में जा रहे हैं। इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी और मतलब सारी चीज़ें इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने एक बार हमारे कहने पर हमारा रूम अपग्रेड कर दिया है, तो हम दूसरे रूम में जा रहे हैं। आपको तो हमें वहाँ शिफ्ट करना पड़ रहा है। गाने की शूटिंग ख़त्म करके आई हूँ और अब हो रहा है लंच टाइम। बच्चों को भूख लग रही है, चलो हम चलते हैं। और हम तीनों ही जाएंगे, बच्चे और मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस चल रहा है तो उनकी कोई मीटिंग है, तो वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, ऑफिस कर रहे हैं। वेकेशन पे भी काम करना पड़ता है। कोई नहीं, चलो हम लोग चलते हैं। आ बेटा, चलो चलते हैं लंच करने। और फ्रेंड्स, मुझे आपको एक बात और बतानी थी। आप लोग मेरे ना वेडिंग डांस वीडियोस बहुत पसंद करते हो, मुझे पता है ये बात, बट क्या होता है, हर बार पॉसिबल नहीं है कि किसी की शादी हो, इसलिए वो वेडिंग डांस ना वेडिंग सीजन में ही आ पाते हैं। और स्पेशली जब घर की कोई शादी हो, किसी क्लोज वन की शादी हो, तभी हम लोग इतना इन्जॉय करके डांस परफॉर्मेंसेज इतनी सारी हो पाती हैं, तभी मैं वो ला पाती हूँ। तो अगर आप बोलोगे तो वेडिंग डांस पे मैं सोलो भी परफॉर्मेंस दे दूँगी। उसके लिए वेडिंग वाला माहौल क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बट हाँ, मैं अगर आपको पसंद है तो मैं वो वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स, टी टाइम हो चुका है और अब तो आज थोड़े से क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, ज़्यादा लोग आ गए हैं क्योंकि वीकेंड है, फ्राइडे है, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लोग हैं। ये देखो फ्रेंड्स, फुल मून है आज। और बहुत अच्छा व्यू हो रहा है, ये देखो आप मेरे बैक साइड में, ये देखो पूरे पैलेस की लाइट्स जली हुई हैं। जैसे कल भी मैंने आपको दिखाया था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। अभी फिर से ब्यूटीफुल सा पूरा समा बंधा हुआ है। अब बस इसके बाद हम लोग डिनर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अभी हम लोग आए हैं डिनर करने यहाँ पे, और यहाँ पे पूरी हॉस्पिटैलिटी और पूरा जो इस प्रॉपर्टी के जो शेफ़ है अरुण कुमार जी, हाँ जी अरुण कुमार जी ये है, और बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं यहाँ पे। आप आइए यहाँ पे और आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है उसका एम्बियंस बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा यहाँ पे। और देखिए, हम लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। फ्रेंड्स देखो, आज मेरा फेवरेट मिठाई शाही टुकड़ा, लौकी का हलवा और आइसक्रीम, ये मेरी फेवरेट है और बहुत टेस्टी भी है। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, एक और ब्यूटीफुल सी मॉर्निंग यहाँ पे। आज हम लोग चेकआउट करेंगे यहाँ से। बहुत मज़ा आया, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, पीसफुल प्लेस है। अच्छा,
बच्चों कैसी रही ट्रिप तुम्हारी? बहुत अच्छी। मजे आए? हाँ। चलो ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, हम लोग अभी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और हमारे साथ है इस रामविलास पैलेस के मैनेजर नवीन खंडेलवाल जी। तो ये इन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ आइए, इनसे मिलिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। तो ये नीरज जी हैं, आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इन लोगों इन्होंने हमारी हॉस्पिटैलिटी में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार से हम लोगों को घर जैसा ट्रीटमेंट दिया है। तो आप लोग आइए और यहाँ पे रुकिए और आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम लोग अब निकलते हैं और आपका नाम क्या है? नरेश राघव जी, इन्होंने हमारा क्या कहते हैं लंच डिनर और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ध्यान रखा है। दोस्तों ये हमारे साथ ये वाले भैया, क्या नाम है आपका? बिल्लू। ये यहाँ पे बहुत ध्यान रखते हैं आप लोगों का। मैं ये आपको इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे ये चीज़ फील की है। जैसे ये भैया है, ये बॉय है यहाँ पे, तो ये बहुत आपका वैसे ध्यान रखते हैं आपकी सारी चीज़ों का, सामान का, इन